हेलो एवरीबॉडी, आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड में बेसिक लेवल की एक ऐप कैसे बनाते हैं। सो आई एम हैविंग एक्लिप्स एस डी के एंड देन एस डी के मैनेजर। ओके, सो रूल क्या है, कोई एक फोल्डर में एक्लिप्स एस डी के एंड एस डी के मैनेजर होना चाहिए, राइट। एक्लिप्स एंड एस डी के आप अलग अलग फोल्डर में नहीं रख सकते हो। अगर रखना है तो फिर इन फ्यूचर में आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। सो अभी इतना याद रखो, एक्लिप्स एस डी के एंड एस डी के मैनेजर एक फोल्डर में होना चाहिए। नाउ जस्ट एक्लिप्स, क्लिक ऑन दिस exe फाइल, अभी एक्लिप्स हमारा ओपन हो जाएगा। नाउ आपको कहाँ पे सेव करना है, राइट। सो मुझे यहाँ पे सेव करना है ई ड्राइव एंड्रॉयड एस डी के, और मैंने एक फोल्डर बनाया है टेम्प 1 2 3, राइट। सो एक लोकेशन दैट इज़ दी वर्क स्पेस कहाँ पे सेव करना है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो फर्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे एक बटन, और बटन की क्लिक इवेंट पे मुझे एक मैसेज बॉक्स पॉपअप करवाना है, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विथ फाइल मेनू। सो स्टेप वन, हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन एक्लिप्स। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन फाइल मेनू, न्यू एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। फ्रॉम हियर जस्ट गिव अ नेम दैट इज़ बटन डेमो। अब जस्ट यहाँ पे टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट नेम भी टाइप हो जाएगा, एंड एक पैकेज रेडी होगा कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम दैट इज़ दी बटन डेमो। टेम्पररी अभी आप सिलेक्ट करो 4.2 जेलीबीन, 4.2 जेलीबीन एंड 4.2 जेलीबीन, बिकॉज मेरी जो एस डी के है, एस डी के में अभी ये 4.2 वर्जन इंस्टॉल है, दैट्स वाई। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगेन कुछ भी चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट, अगेन जस्ट क्लिक हियर नेक्स्ट, अगेन जस्ट क्लिक हियर नेक्स्ट एंड देन फिनिश। सो मैंने कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं किया, जस्ट नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश। सो यहाँ पे पैकेज एक्सप्लोरर में मेरा एक फर्स्ट प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। Now you can see here button demo, that is our first project. Okay, मेरे एक्लिप्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, बाई डिफॉल्ट ये 24 लेता है, राइट। सो यहाँ पे एक स्क्रीन डिस्प्ले नहीं होती है, एंड्रॉयड की स्क्रीन। सो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ 24, दैट इज 7.0 इंस्टेड ऑफ दैट एपीआई 17, दैट इज 4.2.2, बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट किस में बना हुआ है, एंड्रॉयड 4.2 में, दैट इज़ दी चेलीबीन। अब यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी। ओके, ये रिफ्रेश हो गया। अगर स्मॉल स्क्रीन है तो यहाँ से आप जूम कर सकते हो। सो यहाँ पे ये जूम होता है, राइट। एनीवे, नाउ सी हियर, प्रोजेक्ट दैट इज़ दी बटन डेमो। मेरी सारी एक्टिविटी जिसे हम स्क्रीन बोलते हैं एंड्रॉयड में, उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी कहाँ पे होती है, रिसोर्स लेआउट, एंड मेरी फर्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्स एम एल। ओके, ये मेन स्क्रीन, आप कोई भी ऐप लॉन्च करते हो तो उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट एक मेन स्क्रीन आती है, फर्स्ट स्क्रीन दैट इज, राइट। सो ये मेरी बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्क्रीन होगी, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्स एम एल। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है। सो अगर आपने यहाँ से क्लोज कर लिया तो फिर से आप इसे ओपन कर सकते हो, जस्ट डबल क्लिक हियर। सो सेम विंडो आपको मिलेगी, ये डिज़ाइनिंग की फाइल है, राइट, दैट्स इट। तो यहाँ पे ग्राफिकल लेआउट दैट इज़ दी जीयूआई, इसका कोड किस में होगा, एक्सएमएल में। आप एक्सएमएल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट व्यू, उन लोगों ने आपको एक कंट्रोल दिया है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट व्यू दैट इज़ दी लेबल। कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है तो आप टेक्स्ट व्यू यूज़ कर सकते हो। ये डिज़ाइनिंग की फाइल किसके साथ कनेक्टेड होगी, कोडिंग, राइट। नाउ वेर इज़ अवर कोडिंग फाइल, सो इट्स लोकेटेड इन एसआरसी फोल्डर। सो एसआरसी फोल्डर ओपन करो। नाउ हियर दैट इज़ दी पैकेज नेम कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट बटन डेमो, और यहाँ पे कोडिंग की फाइल है मेन एक्टिविटी डॉट जावा, राइट। तो ये डिज़ाइनिंग की फाइल, उसके रिलेटेड कोडिंग की फाइल यहाँ पे है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। जस्ट डबल क्लिक करो यहाँ पे तो ये कोडिंग फाइल ओपन हो गई। ओके, अब एक फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, बटन, राइट। सो हैलो वर्ल्ड,
हेलो वर्ड बाय डिफॉल्ट जो लिखा हुआ है उसे मैं डिलीट करता हूँ। सो डिलीट, अब यहाँ पे एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। सो ड्रैग एंड ड्रॉप बटन, ओके इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। इसकी मुझे टेक्स्ट चेंज करनी है, सो गो टू XML, नाउ टाइप हियर, क्लिक हियर इन टेक्स्ट, अगेन गो टू ग्राफिकल लेआउट, नाउ यू कैन सी हियर टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज, ओके। अब यहाँ पे देखो स्टार, स्टार मीन्स आपने सेव नहीं किया है, सो प्रेस कंट्रोल एस, डैट इज़ द सेव, ओके आपको सेव करना है कंपलसरी सेव। अब ये बटन की क्लिक इवेंट पे मुझे एक मैसेज बॉक्स पॉपअप करना है, राइट मुझे एक मैसेज बॉक्स ओपन करना है। सो कोडिंग स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे आएगा, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, सो यहाँ पे है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट के ऊपर आपको लिखना है बटन एंड उसका एक वेरिएबल है btn1 एंड सेमी कॉलन। अब यहाँ पे बटन पे एरर आती है, राइट, बिकॉज ये बटन रिलेटेड यहाँ पे कोई भी पैकेज नहीं है। सो एक सिंपल टेक्निक है, जस्ट आपको यहाँ पे कर्सर रखना है एंड जस्ट क्लिक ऑन इम्पोर्ट बटन। आप इम्पोर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एरर चली जाएगी, देखो अब एरर गई एंड यहाँ पे एक पैकेज रेडी हो गया, इम्पोर्ट एंड्रॉयड डॉट विजेट डॉट बटन। नाउ इन द सेट कंटेंट व्यू btn1 इक्वल टू इन द ब्रैकेट जस्ट टाइप बटन एंड find, जस्ट यू हैव टू टाइप 4 कैरेक्टर्स एंड देन कंट्रोल स्पेस, ओके कंट्रोल की एंड स्पेस की, कंट्रोल स्पेस तो रेडीमेड आ गया। फाइंड व्यू बाय आईडी, जस्ट आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है फाइंड व्यू बाय आईडी, तो देखो रेडीमेड आ गया। नाउ आर डॉट आईडी डॉट, अब मेरा जो बटन है उसका आईडी ये है button1, सो मैं डबल क्लिक करता हूँ button1 पे, सो जस्ट डबल क्लिक ऑन button1 एंड सेमीकोलन। अगेन देखो ये जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था ये XML में चेक करते हैं, सो बटन का आईडी क्या है button1, सो ये button1 जो रियल मेरा जो बटन था उसको मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, btn1 वेरिएबल के साथ, ओके दैट्स इट। सो इट्स अ वन टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग, राइट, जो मैंने btn1 है उसको कास्ट किया यूजिंग बटन, दैट्स इट। नाउ बटन की क्लिक इवेंट कैसे रेडी करते हैं, सो btn1 डॉट seto, जस्ट आपको ये टाइप करना है seto, तो ऑटोमेटिक आ गया सेट ऑन क्लिक लिसनर। नाउ जस्ट क्लिक करो यहाँ पे, डबल क्लिक करो सेट ऑन क्लिक लिसनर, डबल क्लिक तो ऑटोमेटिक आ गया। नाउ जस्ट न्यू स्पेस कैपिटल VIEW डॉट, तो अगेन रेडीमेड आ गया ऑन क्लिक लिसनर। अब आप जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो नीचे रेडीमेड बहुत सारा कोड आ जाएगा, देखो मैं क्लिक करता हूँ ऑन क्लिक लिसनर पे, सो डबल क्लिक ऑन क्लिक लिसनर, तो देखो नीचे ये रेडीमेड कोड आ गया, ओके अब जब ये रेडीमेड कोड आता है तब यहाँ पे आपको सेमी कॉलन करना है, देखो यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रही है, सो जस्ट पुट हियर सेमी कॉलन, दैट्स इट। सो ये मेरी बटन की क्लिक इवेंट बन गई और ये रेडीमेड है, ऑटो जनरेटेड है, तो यहाँ पे एक मैसेज है ऑटो जनरेटेड। सो अब यहाँ पे आप कुछ भी कोडिंग कर सकते हो, इट मीन्स जब कोई बटन पे क्लिक करता है तो SMS जाना चाहिए, कोई बटन पे क्लिक करता है तो कॉल जाना चाहिए एंड सो ऑन, राइट दैट्स इट। सो अब मुझे क्या करना है, जब कोई बटन पे क्लिक करे तो मैसेज बॉक्स ओपन होना चाहिए, सो मैसेज बॉक्स के लिए एंड्रॉयड में टोस्ट है, सो मैं टाइप करता हूँ toast टोस्ट डॉट, देर इज अ मेथड मेक टेक्स, सो डबल क्लिक ऑन मेक टेक्स, ओके इन द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डबल क्लिक हियर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स, तो यहाँ पे रेडीमेड आ जाएगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स आ गया। कौन सा मैसेज आपको डिस्प्ले करना है, सो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ .NET Expert, तो ये मैसेज बॉक्स, राइट ड्यूरेशन, तो ये आप टेम्पररी रिमूव करो ड्यूरेशन एंड टाइप करो toast डॉट, देर इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, सो डबल क्लिक करो लॉन्ग पे, राइट सो डबल क्लिक ऑन लॉन्ग। अब ब्रैकेट के बाहर आ जाओ एंड देन डॉट show, ओके sh मैंने टाइप किया, पूरा टाइप नहीं करता हूँ, जस्ट डबल क्लिक करो यहाँ पे आ गया रेडीमेड सो एंड देन सेमी कॉलन, दैट्स इट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब कोई बटन पे क्लिक करेगा तो क्या पॉपअप होगा, एक मैसेज बॉक्स आएगा
दैट इज़ द टोस्ट, मैसेज बॉक्स टोस्ट होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, जस्ट एक इम्यूलेटर स्टार्ट करना है यूजिंग दिस एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, और वो AVD में आप ये प्रोजेक्ट टेस्ट करके चेक कर लो ये रन होता है कि नहीं होता है। ओके, सेकंड वीडियो में हम देखेंगे एक स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे कैसे जाते हैं, प्लस अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मोबाइल में रन करना है तो मोबाइल में कैसे रन करते हैं वो भी हम सेकंड वीडियो में चेक करेंगे।